सो हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एएस इंस्ट्रक्शन फैमिली में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रायंगल काउंटिंग। एक क्लास इसकी हो चुकी है, एक क्लास में कवर नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने दूसरी क्लास लगाई है। तो जिस भाई ने मेरी इस पिछली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको क्लास को जरूर से देख लें, क्योंकि उस क्लास के बिना आपको इस क्लास में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इस क्लास में हालांकि समझ में बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको फुल डिटेल से अगर सीखना है तो उस क्लास को जरूर से देख लीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो हमने स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल ले रखे हैं, तो जिसमें ये फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है, जो भी भाई हमारे बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप ये मान लीजिए 3 स्टार इसमें लगा लीजिए, आप कम से कम इसमें 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन कर सकते हैं, हालांकि इस तरीके से टाइप से आरिफी का सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो सबसे पहले काउंटिंग से हम करेंगे। तो कीजिए काउंटिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने ट्रायंगल हुए, 6। ठीक, फिर इसी तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने ट्रायंगल हुए, 6। इसकी ट्रिक मैं बता दूँ, इसको ऐड करना है, पहले काउंट करना है फिर ऐड करना है इनको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी 1 2 3, और तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 6। 1 2 3, इसको तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 6। तो इसी प्रकार 1 2 और इसको फिर से 3, तो इसमें कितने हुए, 6। लेकिन एक चीज़ क्या है कि हम इसमें क्या कर चुके हैं, दो बार इसको काउंट कर चुके हैं, क्योंकि एक बार तो हमने डायरेक्ट इसमें वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार इसमें किया काउंट, एक बार इसमें, तो ये वाला ट्रायंगल कितना हुआ, इस बिंदु से 2 बार ट्रायंगल काउंट हो चुका है, तो 2 करना पड़ेगा हमको माइनस। तो ऐड कीजिए 6 + 6 + 6 - 2 कितना होगा, 16। तो यही इसका आंसर है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो उसी में ये भी ट्रिक लागू होनी है, फर्स्ट से 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, आप पहले इस क्वेश्चन को करिए और फटाफट से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें आने वाला है कुछ ट्विस्ट। तो इसको जब काउंट करिए कितने आएंगे, 3। इसको जब काउंट करिए कितने आए, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। इसको जब काउंट करिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए, 3। तो इन सबको ऐड कीजिए कितना हो गया, 9। लेकिन इसमें जो है, क्योंकि इससे बनने वाले, इस वाली लाइन से हमने सारे ट्रायंगल काउंट कर लिए, इस वाली लाइन से हमने सारे बनने वाले सारे ट्रायंगल काउंट कर लिए, इस वाली लाइन से बनने वाले सारे ट्रायंगल काउंट कर लिए, लेकिन एक ही तो ये ट्रायंगल बचा है। अगर यहाँ पर भी इस तरीके से देखा होता तो कुछ और होते, या फिर यहाँ से कुछ और एक लाइन दी होते तब कुछ और होते, फिलहाल इसमें इतने ही है, तो कितने, 1 ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ होल ट्रायंगल कितने हुए, 10। तो जिस भाई का ये 10 आंसर आया है तो उसका सही है। तो लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप से। तो अब देखते हैं रेक्टेंगुलर पर ट्रायंगल। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको वही हम अपने काउंटिंग वाला ही मेथड यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या है, सबसे पहले आप काउंट कीजिए 1 2 3 4। जितने भी आप काउंट करेंगे डायगोनल से बनने वाले ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इस तरीके से आपने 4 ट्रायंगल काउंट किया है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, इसका आपको जस्ट डबल कर देना है, 8 आंसर होगा, 4 × 2 = 8। अब कैसे, ये भी चेक कर लीजिए किस प्रकार से होगा, फिर आपको आगे के सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। जैसे एक तो ये ट्रायंगल, ठीक, एक ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल हो चुके हैं, फिर एक ये वाला ट्रायंगल, फिर एक ये वाला ट्रायंगल, तो कितने हुए ट्रायंगल, 8 हो गए। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करना है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 × 2 = 12। ठीक, इस प्रकार से इसको कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 × 2 = 16। फिर ठीक इसी प्रकार से इसको सेम ही मेथड है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 14 7 × 2 = 14। तो कुछ इसी प्रकार से इस वाले, अब लेते हैं इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन, तो इससे आपको ट्रायंगल काउंटिंग से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करते हैं कुछ और शानदार क्वेश्चन। जैसे
अब की बार क्या है, अब की बार है रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, रेक्टेंगल या स्क्वायर में डायगोनल्स के द्वारा बनने वाले ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, दो स्क्वायर है, इसके डायगोनल्स जो है आपस में, एक हम सिंपल से केवल वन स्क्वायर वाला डायगोनल वाला ले लेते हैं, कर चुके हैं हम, लेकिन फिर से ले लेते हैं जिसमें आपको याद बना रहे। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 और इसका डबल कर रहे थे, वही ट्रिक इसमें भी काउंट होगी, इसमें भी वही ट्रिक लगने वाली है, जैसे इसमें आया थे 8, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी वही ट्रिक लगने वाली है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बनने वाले कितने होंगे, सिर्फ अगर इसको देखें तो कितने बनेंगे, 8, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अभी देखा था हमने इस किस प्रकार से बनेंगे। और इसमें नंबर अगर इस वाले के लिए तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8, लेकिन अब इसमें और क्या चीज़ है, एक चीज़ ये है कि ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स्ट्रा, और ठीक इस प्रकार से एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक्स्ट्रा, तो कितने ट्रायंगल हुए, 2, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 18। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब ठीक इसी प्रकार से इसको करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल सिर्फ एक स्क्वायर को लेकर, फिर एक स्क्वायर इसको लेकर 8, फिर एक स्क्वायर इसको लेकर 8, लेकिन इसके द्वारा एक बनेगा, फिर इसके द्वारा एक बनेगा, ठीक इसी प्रकार से एक इसके द्वारा एक बनेगा, एक इसके द्वारा एक बनेगा, कितने हुए, प्लस टू। ये तो रही इनकी बात, लेकिन इसमें और भी कुछ है, कैसे कुछ है, क्योंकि अब तो सारे काउंट हो चुके हैं, ये वाला भी, तो कितने हुए टोटल कीजिए, कितने हुए, 8 2 10 8 2 10 10 और 8 28 ट्रायंगल इसमें। अब ठीक इसी प्रकार से ये करना है तो इसको भी कीजिए, इसमें कितने बनेंगे, 1, इसमें कितने, 1, इसमें कितने, 1, इसमें कितने, 8, ठीक। अब इससे इससे मिलकर बना एक ट्रायंगल, कितना हुआ, और एक इससे इससे मिलकर बना, 2 इसके, ठीक इसी प्रकार से इसको और इसको मिलाकर 2 ट्रायंगल यहाँ पर हुए, ठीक इसी प्रकार से एक ये वाला ट्रायंगल मिलाकर और एक ये वाला ट्रायंगल मिलाकर कितने हुए, 2। तो ये तो हो गए, लेकिन एक चीज़ और है, क्या है आपको शायद दिख रही होगी कि इससे एक और ट्रायंगल बनने वाला है, ये वाला ट्रायंगल, ये डायरेक्टली ये यहाँ से इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, आपको ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे एक ट्रायंगल ये वाला बनना है बड़ा सा, तो ये 1 + 1, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, 2 2 2, कितने हुए, 6 6 8 7 7 और 32, 7 और 32 कितने हुए, 7 32 + 7 कितने हुए, 39 ट्रायंगल, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हुए, 39। अब इसको भी करते हैं तो इससे बनने वाले नंबर ऑफ ट्रायंगल 8, इससे इससे ये हो गए 6, इससे इससे 1 और 2, इससे 6, सॉरी इससे इससे बनेंगे 3 और इससे 3 1 2 2 3, 3 ट्रायंगल बन गए इससे। लेकिन इसमें और भी कुछ बनेंगे, अगर ये इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हुए हैं, 3 3 6 6 14, लेकिन जब आप इसमें एक काम और कर दिया जाए कि यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन को मर्ज कर दिया है, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कुछ और बन जाएगा, क्योंकि एक इससे एक बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा और एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो काफ़ी सारे ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के इस क्लास के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।